तुम हमारी क्या कहते हो मिसेस बनोगी? एक ही दिन के लिए हाँ बोले, वो भी गुनगुन मिटिया के खाते। हाउ इज गुनगुन डूइंग इन स्कूल? हाउ इज गुनगुन डूइंग इन स्कूल? इसका मतलब ये हुआ कि गुनगुन स्कूल में कैसा कर रही है। अच्छा एक बात बताइए, तुम दोनों इतने बड़े स्कूल में जा रहे हो, तुम दोनों के पास अच्छे से मेरा मतलब है नए कपड़े तो है ना? मां जल्दी चलो ना। अरे लेकिन हम कहां आ गए? अरे गुनगुन बिटिया का स्कूल इतना बड़ा है, वहां पे सब बड़े बड़े लोग आते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरते। कपड़ा देखा है कभी? अरे बहुत ही अच्छा सूट बूट कपड़ा, एकदम चटक पटक होता है। तो हम सोचे कि अब हम भी उनके स्कूल में जा रहे हैं तो थोड़ा बन ढन के चले, चमक हमारी भी बननी चाहिए कि नहीं? वाह हीरा बाबू, तुम तो खासे ही तैयारी में लगे हुए हो। सूट बूट पहन के जाओगे का? मां नहीं, सूट बूट कौन पहनेगा। ये अच्छा है। हाँ मैडम, मैडम इस पर सेल चल रहा है। अच्छा ये कितने का पड़ेगा? ये भी 2800 का है। सेल के बावजूद? सर इस पर सेल नहीं है, ये 3200 का है। ये पे सेल नहीं है का? नहीं सर। हीरा चलो जरा बाहर। अरे चलो ना, हम बताते। आए भैया। ये कितने का है? ये मैडम 300 रुपए एक दिन का है। ये कितने का है? ये 250 रुपए सर। और ये कितने का है? ये वाली 200 रुपए। ये कुछ और दिखा लेना। सादा अभी दिखाते हैं ना, थोड़ा सस्ता भी। हाँ अच्छा अच्छा अभी दिखाते। ये देखिए मैडम बहुत अच्छा है, 125 रुपए एक दिन का है। 125 रुपए? हाँ ये ठीक है। ये पहन के देख सकते हैं का? हाँ हाँ, वो ट्रायल रूम है ना, चेक कीजिए आप। वो का है, हम सोच रहे थे कि एक ही दिन का काम है तो कोनो महंगा कपड़ा का ही खरीदना है कि नहीं? भाड़े में मिल रहा है, ये हम पहन के एक दिन के लिए तो जा ही सकते हैं, है कि नहीं? बहुत तेज हो तुम, सही जुगाड़ बिठाई। भैया इनको एक को बुसर दिखा दीजिए। हाँ बुसर दिखाते हैं। आई चटक मटक नहीं, सादा दिखाता हूँ, सादा एकदम। आइए दिखाता हूँ। अरे भैया ये भी बहुत चटक है। अरे वो कहा है ना, ऐसा कपड़ा पहन के जाएंगे तो ऑटो में नहीं घोड़े पे जाना पड़ेगा हमको स्कूल पे। देखिए अरे हमको लगता है हमारा एक दोस्त है शंकर, वो पे ये चटक मटक कपड़ा बहुत अच्छा लगेगा। अरे हमको वो सादा दिखाओ ना। सादा? हाँ ऐसा कुछ। क्या बात है, कैसे लग रहे हैं? ठीक ठाक लग रहे हैं। बस ठीक ठाक। नहीं नहीं मैडम बहुत बढ़िया, जत रही आप इसमें। देखा इनको भी हम अच्छे लगे और तुम हो क्यों तब? अरे उनको तुम्हारे को अपना कपड़ा देने का है, किराए पे बेचने का है, इससे तुमको ऐसा बोल रहा है। अरे कहा भैया, इससे पैसा बढ़ता तुम्हारा। मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? मतलब तुम्हारा? अरे हम कुछ कहना नहीं चाहते, बहुत सुंदर लग रहे हो। क्या बोला जरा दोबारा बोला। हम काउंटर पे जा रहे हैं पैसा भरने के लिए, अपना सामान लेके वहां आ जाओ। अरे भैया हमारा वो काला वाला वो तय करके इनके हाथ में दे दो। हाथ करते हेलो हीरा लाली स्पीकिंग, शंकर कॉलिंग। भैया बस 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 बस, अरे हमारे रतन रंगीले इतना अंग्रेजी में बात करोगे ना तो तुमको तो वहां का टीचर रख लेंगे। का है चने के झाड़ पे चढ़ रहे भैया, कि बस ये मीटिंग खत्म हो जाए हमारा काम बन जाएगा बस। अरे गुरु सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ये स्कूल जा कैसे रहे हो? अमा कैसे जा रहे हो मतलब का? हमारी धन्नो है ना, रिक्शा से जाएंगे और का। अरे इतना महंगा कपड़ा पहनोगे, जूते में पच पच पॉलिश करोगे हैं, और हमारा हीरालाल तिवारी रिक्शा से जाएगा? अमा गाड़ी कहाँ से लाए, ये धन्नो पे एक चक्का और लगा ले का। सुनो तुम तो बस महंगा कपड़ा पहनो, सूट वूट पहनो,
और जूते को फच फच पॉलिश करो और वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ वो फुस फुस लगा लो और समझो गाड़ी का इंतजाम हो गया। पक्का? वो कस्टमर का हमको बार बार देख रहा है, तुम फोन रखो और तैयार है ना, बस हम गाड़ी लेके आते हैं। ठीक है, हाँ हाँ जाओ जाओ, काम करो काम काम करो। गजब करते हो यार शंकर, यह हमारी गाड़ी खराब पड़ी है और तुम हो कि फोन पे बकैती कर रहे हो। मालिक, इस घर में ना प्रॉब्लम हो गया। क्या हुआ? अरे आप खड़े कहाँ हैं? आप बैठी ना, आइए। अफजल, अरे वो मालिक के लिए दो चाय बोलो मलाई वाली है। क्या हुआ बताओ? वो कहा है ना, हमारा जो घर है ना वो गांव में है, तो कहा है ना हमारी एक बबली है वो 8 साल की है, कल रात से लापता है, उसको लेके हम बहुत टेंशन में, बबली कहाँ होगी कैसी होगी, हम बहुत परेशान है। ऐसे कैसे लापता है, इतनी छोटी सी है, उसका ख्याल नहीं रखते घर में? नहीं नहीं मालिक, ख्याल रखते हैं हम उनका, लेकिन क्या है ना हम तो उनको क्या कहते हैं बांध के रखते हैं, वो कल क्या है घर वालों ने खुला छोड़ दिया तो वो भाग गई। ये बबली है कौन? बबली हमारी कुतिया है। अरे यार कमाल करते हो, कुतिया? मालिक वो हमारे घर की सदस्य है, उनको हम बहुत प्यार करते हैं। आप क्या इतना भावुक हो रहे हैं, हम अपनी कहानी सुना रहे हैं आपको, आप टेंशन मत लीजिए। मालिक ठीक, मालिक गाड़ी हम देख लिए, हम ठीक कर देंगे। देखो पैसा चाहे जो भी लग जाए, लेकिन गाड़ी एकदम टिप टॉप एक्यूरेट बननी चाहिए। अरे फिकर नॉट जनाब, हम टिप टॉप कर देंगे, आप गाड़ी परसों आके ले जाइएगा। परसों? मुझे लगा कि आज ही बन जाएगी। अरे मलिक बताए थे ना उनका गाड़ी पुरानी है, तो एक पार्ट यहाँ मिलेंगे नहीं, वो हमको दिल्ली से मंगाने पड़ेंगे, तो आप परसों आके ले जाइएगा। ठीक है ठीक है, लेकिन परसों मतलब परसों? हाँ मलिक जबान दे दिए। चाय कौन पिएगा? चाय पियेंगे आप? सही लपेटे वैसे उसने है। सुनो गाड़ी मिल गई। अब तुम बताओ हम कैसे लग रहे हैं? तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रहे है ना, किराए के कपड़े में हम पहचान में ही नहीं आते। क्या करे, आपके स्कूल का बहुत बड़ा मीटिंग है तो हमको भी इंग्लिश लगना है, हम इंग्लिश लगेंगे। पापा, you are looking great. I don't accept you too. अरे पापा, you are looking great का मतलब होता है आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, और आपके thank you. अब बिटिया वो हम क्या कहे, I don't accept you too का मतलब तो thank you होता है। Thank you. अच्छा पापा thank you, अब हमको इंग्लिश नहीं आती ना, तुमको अंग्रेजी मीडियम में डाले हैं, तुम अंग्रेजी सीखो है? चलो अभी बहुत लेट हो गया, चलो 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 अब वो शांति आंटी को भी ले। ओहो शंकर चाचू को देखो, बहुत अच्छा लग रहा है भैया, चिंता है ठीक लग रहा है? अरे गुरु बहुत टेंशन। शांति देवी, ओ शांति देवी, आर यू बाबा? अरे जल्दी आ जाओ, हम बहुत लेट हो गए हैं। अरे हम बोले ना कि हम, हमारी बेटिया का स्कूल का बहुत बड़ा दिन है, मीटिंग है हमारी बेटिया की, तो गाड़ी में ही जाएंगे। चलाओ। ये कौन है?
तो जाना पहचाना चेहरा लग रहा है। कहा भैया अपना चेहरा। ये नमूना हीरो कैसे बन गया? नमूना? अच्छा अच्छा ठीक है। हीरो। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करो चलो। गुरु कैसा घोर कलयुग आ गया है? हम दोस्त के लिए ड्राइवर बने और ये छोटी काका बोल रही है। और नहीं तो का बताओ, हम फिल्मों में देखे हैं जब बड़ा बड़ा लोग इधर उधर जाता है ना तो ड्राइवर को ऐसे ही बोलता है, और आज तो हम अपनी गुनगुन गुड़िया के बड़े स्कूल में जा रहे हैं तो थोड़ा अभ्यास तो करना पड़ेगा। तो उसकी जबान पे ताला लगाओ। अच्छा सुनो भाई, अच्छा सुनो, तुम दोनों आज बहुत अच्छा दिन है, हम शुभ काम के लिए जा रहे हैं ना, अपनी लड़ाई झगड़ा बंद करो, चलो गाड़ी में चलो। अच्छा चलिए टाटा बेटा। शांति देवी, कभी देखी हो इतना बड़ा स्कूल? तुमको पता है हीरा, हमारी पाठशाला में तो छत से पानी छूटता था, यहाँ इतनी बड़ी चकाचक इमारत। अरे पाठशाला काम होटल ज्यादा लग रहा है। वहाँ यहाँ खाना खाने नहीं आए हैं, वो अध्यापिकाओं से मिलने आए हैं, याद रखना। शांति आंटी, ये देखो ये जो जमीन से तीसरी खिड़की है ना, वो हमारी क्लास है। वो वाला? और शंकर भैया चलोगे यहाँ रुकोगे? नहीं हम ही गुरु, यहीं रुकते हैं तुम। एक्सक्यूज मी सर, यू आर हियर फॉर पेरेंट्स टीचर मीटिंग? यस। वेलकम टू सेंट मेरी स्कूल। अरे एक मिनट एक मिनट, थैंक यू। हाँ थैंक यू थैंक यू। नहीं बनाया? नो, वो गुड गुड कहने को बोले। गुड, ग्रेट, बढ़िया, महान। अरे लेकिन पर शुक्र बोलना होगा तो थैंक यू बोलेंगे ना। थैंक यू बोले ना, मगर वो याद रखो, क्या कहते हो, How is Gungun doing in school? In his school. In his school. Good morning, teacher. Good morning, Gungun. Gungun, you can go and join your friends. Thank you, teacher. बैठिए। तो आप हैं गुनगुन के पेरेंट्स? जी हम उनके पापा हैं और ये है उनकी आंटी शांति आंटी। नमस्ते। कहे ना मैडम जी, गुनगुन की मम्मी जो है वो बचपन में ही गुनगुन। I'm so sorry. How is Gungun doing in school? She's doing really good. She's very intelligent. She's very disciplined as well. She finishes her homework at time. So, yeah, do you guys teach her at home? Good, 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 good. Do you guys teach her at home? आप उसे घर पर पढ़ाते हैं? हाँ, पढ़ाते हैं ना? यही तो पढ़ाती हैं। Homework भी यही कराती हैं। और सब कुछ टाइम टू टाइम करा देती है मैडम जी, और बढ़िया भी कराती है। वेरी गुड, गुनगुन के नोटबुक क्लास में सबसे क्लीन है। हाँ साफ सफाई अच्छा रखती बिटिया। ये लीजिए उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट, आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। एंड बिलीव मी शी इज अहेड फ्लाइंग विद कलर्स। ग्रेट। मैडम फोटो गुड, गुड गुड। That is not a photograph. That is a motivational quote. Oh, great, great. ये साइन कर दिया मैडम जी। Thank you. मैडम जी, गुनगुन मारपीट तो नहीं करती ना? नहीं, she is very well behaved. बढ़िया, फिर तो ठीक। अच्छा। नमस्ते। नमस्ते। आप बाहर जाके खेलिए, हम उनसे
से बात करेंगे। यस सर। पैसे प्लीज। आपकी बेटी ने तो कमाल कर दिया उस दिन पोएट्री कंपटीशन में। She read such a beautiful poem. I must tell you, I was blown away. I still remember it. You must be so proud of her. You should have joined her. Thank you, Mamsab. How is Gungun doing in school? Oh, very good. In fact, main to soch rahi is main usse class ka monitor banaungi. This is very good. Great, great. ये है गुनगुन की मार्कशीट, आप ये देख लीजिए, वेटिंग रूम में बैठ कर देख सकते हैं, वहाँ पे हमने स्नैक्स भी अरेंज किए हैं पेरेंट्स के लिए। थैंक यू। कैसे हो बेटा? मैं अच्छा हूँ। गुनगुन का है? गुनगुन बेटा यही थी, पानी पीने गई। अच्छा, तो आप हैं गुनगुन के पापा? जी, नमस्ते। नमस्ते। हमारा रवनीत तो हर टाइम बस गुनगुन के बारे में गीत गाता रहता है, गुनगुन के पापा ये हैं, गुनगुन के पापा वो हैं। तो हाँ जी, वो करते आप हैं और सारा दिन हमें बस ताने मारता रहता है। जी, गुनगुन भी पूरा दिन रमनीक की बातें करती है। वो कहती है कि रमनीक बहुत अच्छा है, उसके साथ बहुत टाइम बिताता है, और वो कहे ना वो आजकल बेस्ट फ्रेंड हो गए हैं। इसीलिए हाय जसविंदर, हाउ आर यू? हाय मिस्टर मेरा, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मीट मिस्टर जी, नमस्ते, जय भोले सिंह, हमारा नाम हीरा लाल। हाय हीरा, नाइस टू मीट यू। इन्हीं की बेटी इस बार हिंदी पोएम कॉम्पिटिशन में जीती है। रियली? जी। Congratulations. Hindi poetry competition win. Gunbun. पता नहीं ऐसे कैसे लोगों को स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। In fact, what I tell you is, in today's time, what you call this modern times, Hindi language doesn't have any value. Hindi में कुछ रखा नहीं है। English is everything. In fact, मैं आपको क्या suggest करूँ? अपनी बच्ची को ना इंग्लिश सिखाई। इस कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में ना इंग्लिश इज नेसेसिटी। ऐसा नहीं है सर जी, कहे ना हिंदी जो है हमारी मातृभाषा है और हम हिंदुस्तानी हैं, तो हमें लगता है हर बच्चे को हिंदी आना चाहिए। आज भी यहाँ जब बच्चा पैदा होता है वो पहला शब्द कहता है माँ, वो मदर फादर तो नहीं कहता है ना। तो हमारी हिंदी जो है पूरे विश्व में मशहूर है। आपको तो हिंदी आती है ना, क्या कर लिया आपने हिंदी सीख कर? और ये मत भूलिए, आपके बच्चों को इसलिए एडमिशन मिला है क्योंकि आप जैसे लोगों को कोटा मिलता है, वरना औकात तो म्युनिसिपल स्कूल वालों की है। अबे सुन दे जितना, यू नो व्हाट, इन जैसे लोगों की प्रॉब्लम ही यही है, सब कुछ फ्री में मिल जाता है ना थैंक्स टू आवर सिस्टम। जब से स्कूल में कोटा का सिस्टम चालू है ना, इन जैसे लोगों के बच्चे हमारे स्कूल में आ गए। Darling, I have decided. हमारा बच्चा अगले साल से इस स्कूल में तो बिल्कुल नहीं पढ़ेगा, वरना इनके साथ रह के बर्बाद हो जाएगा। जसविंदर, अपने बच्चे को भी दूसरे स्कूल में ले जाएगा, क्या कर रहा है इनके साथ? टीचर से बात करनी पड़ेगी, या तो ये रहेंगे या तो हम। चलो चले। माई पेरेंट्स आर गुड, माई फादर टीचेस मी टू रिस्पेक्ट अदर्स, माई मदर टॉट मी टू ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। But you don't know how to use it. You're a bad man, and my father is a good man.
तुम समझा दिए।